हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए जी, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका नाम है कारो 2016 एंड इसकी रिपोर्टिंग के बारे में, इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में, मतलब ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग कारो 2016 वो हम यहाँ पे कवर करेंगे आज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिनको बेसिक बेसिक पता है जी, कारो 2016 की रिपोर्टिंग होती है जो कि ऑडिटर को करनी होती है, और इसके अंदर कुछ 16 पॉइंट दिए गए हैं आपको। ऐसी बात है, कारो 2016 है तो इसके अंदर पॉइंट्स कितने दिए गए हैं? 16, 16 पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको कि हमें लर्न करना ज़रूरी है, और वो भी सिक्वेंशली करना ज़रूरी है। मतलब 16 पॉइंट को समझना है वो तो ऑब्वियस ही बात है, बट कई बार क्या होता है कि हमें वो पॉइंट कोट करना होगा एज पर देयर क्लॉज, तो वो क्लॉज सिक्वेंशली है तो हमें वो याद करना ज़रूरी है। तो इसलिए अभी इसको हम पढ़ेंगे, और एट द एंड आपको इसमें एक ट्रिक दी जाएगी जिसके थ्रू आप इसको ईजिली याद कर पाएंगे, आपको मतलब माइंड में सेट कर पाएंगे हाँ जी किस सीक्वेंस में कौन सा नंबर है और वो क्या बातें करता है। बहुत इजी है, बस वो सीक्वेंस में याद करना एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम हो जाता है, बाकी इसमें कुछ ऐसी भी खास चीज़ें नहीं है। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि बिल्कुल बेसिक नेचर की, जब आप पढ़ोगे सुनोगे तो आपको लगेगा हाँ जी ये तो नॉर्मल सी बात है जिसके ऊपर ऑडिटर को ध्यान ऑब्वियसली देना चाहिए। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं जरा कारों को। तो जो हमारा हेडिंग है उसका नाम है रिपोर्टिंग अंडर कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं CARNO, कारो 2016। ठीक है जी, ये रिपोर्टिंग करने के लिए कौन कहता है? ये रिपोर्टिंग करने के लिए कहते हैं हमारे CG, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिन्होंने इशू किया था इसको, रिपोर्टिंग को, अंडर सेक्शन 143(11). 143(11) में नॉर्मल आपको ऑडिट, 143 के अंदर आपको नॉर्मल ऑडिट वगैरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो तो है ही है, ये उसके एडिशनल है। मतलब ये नहीं कि वो करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो तो जो आप ऑडिट करते ही हो, बट सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला कि इन कंपनीज जो ये क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, वो इसके अंदर फॉल करते हैं, उनको लिए आप इन 16 पॉइंट्स के ऊपर अलग से रिपोर्ट करके दोगे, ये ऑर्डर को कहा गया। ठीक है जी, तो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया था, कब इशू किया था? 29 मार्च 2016 को ये आया हमारा। किस सेक्शन के अंदर आया? 143(11) के अंदर आया, और इसको उसके बाद से कंपलसरी कर दिया गया। ठीक है जी, ये हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह जो भी है, जो हमारी स्पेसिफाइड है, उसको ये लिमिट नहीं करता, वो सारी चीजें वही रहेंगी, ये उसके एडिशनल कुछ बातें हैं जो आपको फुलफिल करनी होती है, मतलब ऑडिटर को फुलफिल करनी होती है ड्यूरिंग ऑडिट। ठीक है, अच्छा जी, किन किन लोगों के ऊपर ये एप्लीकेबल है? ऑब्वियसली बात है, सबके ऊपर तो नहीं होगा, कोई छोटी मोटी कंपनी है उसके अंदर कारों की एप्लीकेबिलिटी तो आएगी नहीं, तो कारों की एप्लीकेबिलिटी आपको याद करनी है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में इसके ऊपर चर्चा, इसके ऊपर सवाल ना आए, ये बहुत रेयर है, बहुत कम चांस है इसके कि ना आए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है जी, क्या एप्लीकेबिलिटी है कि जी हर कंपनी के ऊपर कारो लगेगा, इंक्लूडिंग क्या? फॉरेन कंपनी, इंक्लूडिंग क्या? फॉरेन कंपनी, सभी कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल होगा, चाहे वो फॉरेन कंपनी क्यों ना हो उस पर भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। किस लोगों को छोड़ दिया गया जी? स्मॉल कंपनी को छोड़ दिया गया, बैंकिंग कंपनी को छोड़ दिया गया, इंश्योरेंस कंपनी को छोड़ दिया गया, मीन्स SBI, स्मॉल कंपनी, बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी। आपको पता है सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं जो कि सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं, उनको भी छोड़ा गया है, एंड एट द लास्ट OPC हमारी जो है उसको भी छोड़ा गया है। तो ये कुछ 5 कंपनी है जो आपको इजीली याद रखनी है, स्मॉल कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, SBI, O8, OPC एंड सेक्शन 8 कंपनी। इसके अलावा उन्होंने कहा जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी जो छोटी छोटी वाली होती है उनके नहीं एप्लीकेबल होगा। कौन सी छोटी छोटी वाली इन्होंने बताया? इन्होंने कहा जिसका पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो 1 करोड़ से नीचे है। ठीक है जी, जो इन्होंने उधार वगैरह ले रखे हैं, जो भी इनके बोरिंग्स वगैरह जो बैलेंस शीट में शो हो रहे हैं वो भी 1 करोड़ से नीचे हैं। एंड लास्ट जो भी इनका रिवेन्यू है, जो कि ये दिखा रहे हैं अपने पीएनएल के अंदर, जो इनका सेल है, रिवेन्यू है, वो इनका 10 करोड़ से नीचे है, और इस 10 करोड़ के अंदर वो वाला भी रिवेन्यू इंक्लूड होगा जो डिसकॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन से होगा, मतलब कोई ऐसा ऑपरेशन है जो कि अब डिसकॉन्टिन्यू हो गया है, तो उससे भी अगर कोई रिवेन्यू आई हुई है तो वो भी इसके अंदर आपको काउंट करना है। तो मोटा मोटा 3 बातें याद आई आपको, एक और एक आपने सुना होगा 11 होता है, बट यहाँ एक और एक 10 होता है। ठीक है जी, एक और एक 11 नहीं होता, एक और एक क्या होता है? 10 होता है। तो नंबर 1 इज प्रेफरेंस शेयर, सॉरी पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस 1 करोड़, दूसरा आपका बोरिंग 1 करोड़, और 10 है आपका क्या? रिवेन्यू, मतलब टर्नओवर, मतलब सेल्स जैसा भी है। ठीक है जी, तो एक और एक 10 आपको याद रखना है यहाँ पे। तो ये इसकी एप्लीकेबिलिटी के ऊपर में बारे में चर्चा हो गई।
किन किन पे एप्लीकेबल है, सभी के ऊपर इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो उसमें इसको कुछ छोड़ दिया गया। बैंकिंग इंश्योरेंस स्मॉल कंपनी ओपीसी 08 मतलब ओपीसी और सेक्शन 8 कंपनी और कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को छोड़ दिया गया जो कि इस क्राइटेरिया में आते हैं। कौन कौन से? एक और एक 10। एक आपका क्या है पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस, एक दूसरा क्या है आपकी बोरिंग, और एक तीसरा जो 10 है वो क्या है आपका रिवेन्यू। तो ये इसका चित्र है आपका जिन पे एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है सर, तो ये एप्लीकेबिलिटी की बात हो गई, आप इसको याद करें, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा किसी ना किसी माध्यम से, पक्का पूछा जाएगा। ये इसके ऊपर कुछ दो एग्जाम्पल है, जरा इसको समझते हैं, हमारे मॉड्यूल का एग्जाम्पल है तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। नंबर वन इज कह रहा है एजुकेटिंग चाइल्ड इज अ लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड हो रखी है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है जी, तो क्या इसके अंदर कार एप्लीकेबल होगा? ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, सेक्शन 8 जो है हमारी एग्जेम्प्ट होती है। अगला एग्जाम्पल कहता है आशु प्राइवेट लिमिटेड के पास फुल्ली पेड अप कैपिटल रिजर्व है 50 लाख रुपए के। ठीक है सर, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज बोरोड 70 लाख ईच फ्रॉम अ बैंक एंड अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंटली। कह रहा 70 लाख रुपए उसने बैंक से भी लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी लिए अलग अलग, 70 एक से 70 एक से, ठीक है टोटल 140 हो गए, और इनका टर्नओवर जो है वो है 900 लाख। तो सर देखो ये 50 लाख जो है ये फॉल नहीं कर रहा है, 1 करोड़ से कम है, ये 900 लाख है ये भी फॉल नहीं कर रहा क्योंकि ये 10 करोड़ से कम है, बट ये 70 और 70 क्या हो गया आपका 140, मतलब जो इनकी बोरोइंग है वो 1 करोड़ से ऊपर चली गई। तो अगर बोरोइंग 1 करोड़ से ऊपर चल गई तो कारो क्या हो जाएगा इसके ऊपर एप्लीकेबल। अच्छा ये एक और ध्यान देने वाली बात है कि ऊपर जो 3 पॉइंट दिए गए हैं जो एग्जम्पशन है उन तीनों में से कोई एक भी फुलफिल हो जाएगा तो उस केस में एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है जी, तीनों के तीनों अगर फुलफिल नहीं होते तो ये एग्जम्पशन है, अगर तीनों में से एक भी फुलफिल हो गया तो वहां पे कारो लग जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। इसको कुछ लोग उल्टे तरीके से भी पढ़ते हैं किन किन पे कारो लगेगा, तो उसमें वो ग्रेटर देन और लेस देन का कुछ खेल है, आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, ये जो सिंपल बातें बताई जा रही है आप उसको माइंड में रखें, इट इज वेरी वेरी सिंपल एंड रिकमेंडेड बाय ICAI। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है मैटर्स की, जो मैं आपको 16 पॉइंट की बात कर रहा था, इन 16 पॉइंट की बात आती है। तो 16 पॉइंट क्या क्या है, अब इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि सर जो कारो है आपका ये किस सेक्शन में, भी आपने ऊपर देखा 143(11) में, और जो ये मैटर्स है ये किसके अंदर आते हैं आपके पैराग्राफ 3, जो ऑर्डर का पैराग्राफ 3 है उसके अंदर ये मैटर्स आते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे जो ये सिक्वेंस चलेंगे दीज ऑल आर क्लॉजेस, ठीक, क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3 ऐसे करके कितने क्लॉजेस आएंगे आपके 16 क्लॉजेस आएंगे, किसके अंदर आते हैं पैराग्राफ 3 में आते हैं। ये 16 क्लॉज याद करने की ट्रिक आपको माइंड में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको माइंड में सेट करेंगे कौन सा क्लॉज किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, किस आइटम के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और बाकी जो डिटेल में है वो यहाँ भी पढ़ के चलेंगे, एट द एंड देखेंगे उसके ट्रिक को। ठीक है, तो ये 16 पॉइंट्स आपको देखने हैं, पैराग्राफ 3 है, क्लॉज सॉरी सेक्शन 143(11) है, और क्लॉजेस जो होंगे वो सिक्वेंसली आपके पास यहाँ आते जाएंगे। सबसे पहली जो बात करता है वो बात करता है किसकी, फिक्स एसेट की। जो क्लॉज 1 आपकी बात करता है वो किसकी बात करता है, फिक्स एसेट की। कि भैया देखो मुद्दा क्या है यहाँ पे, चल क्या रहा है, 16 ऐसे चीजें होंगी, 16 ऐसे ट्रांजेक्शन होंगे, 16 ऐसे आइटम होंगे जो कि अगर कंपनी पे लगती है तो क्या वो कंपनी को सही से उसको कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही। जैसे कि फिक्स एसेट ही है, फिक्स एसेट की बात करें तो फिक्स एसेट में क्या बातें होंगी कि भैया फिक्स एसेट का रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हो नहीं करते, उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन आप करते हो नहीं करते रीजनेबल इंटरवल के साथ साथ, अगर उसके अंदर कुछ कमी बेशी आपको दिखती है, कुछ गलतियां दिखती है, तो उसकी आप रिकॉर्डिंग प्रॉपरली बुक्स में करते हो नहीं करते, उसकी डील प्रॉपर होता है या नहीं होता, तो एक बेसिक चीज है आपका, इसमें कुछ खास नहीं है। जो आपके फिक्स एसेट है वो किसके नाम पे, जी कंपनी के नाम पे ही होने चाहिए, कंपनी के लिए ही यूटिलाइज होने चाहिए, वो पर्पज जो है जिसके लिए उसको यूज किया जा रहा है वो कंपनी का ही पर्पज होना चाहिए, मतलब बेसिक चर्चा है। तो मुद्दा क्या आपको ध्यान रखना है, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट रिलेटेड सारी चीजें सही है तो अच्छी बात है, अगर कुछ दिक्कत होगी तो ऑडिटर उसके ऊपर क्या करेगा, रिपोर्ट देगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, चलिए तो इसको अब एक बार रीड आउट करते हुए चलते हैं फटाफट से और समझते हुए। तो नंबर वन इज कि फिक्स एसेट की बात कर रहा है, कह रहा है कि जो कंपनी है वो क्या प्रॉपर मेंटेन करती है नहीं करती रिकॉर्ड्स, इसके बारे में जी भी ये फिक्स एसेट की डिटेल के पास है कि नहीं, क्या कंपनी इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करती है या नहीं करती रीजनेबल इंटरवल, ये रीजनेबल इंटरवल ध्यान देना जरूरी है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और आएंगे कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि साल के अंत में कर लिया तो ये काम चल गया, नहीं जी, क्या जरूरी है कि इंटरवल रीजनेबल इंटरवल, रीजनेबल इंटरवल कुछ भी हो सकता है, क्वार्टरली हो, बाय मंथली हो, जैसा भी, बट एक इंटरवल तय होना चाहिए जिसपे कि आप उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे। अच्छा, अगर उसके अंदर कुछ मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज मिलती हैं, अगर आपको पाई जाती हैं, तो आप उसकी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग अकाउंट फॉर करते हो या नहीं करते। ठीक है जी, अच्छा, एंड थर्ड पॉइंट इज जो टाइटल डीड है वो कंपनी के नाम पे ही है या नहीं है, जो उसका मालिक है वो कंपनी ही है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसकी डिटेल भी आपको देनी पड़ेगी भैया किसके नाम पे और कंपनी यूज कर रही है, या फिर
अगर कंपनी के नाम पे और यूज क्यों कर रहा है तो उसकी डिटेल भी आपको देनी पड़ेगी। तो तीन बातें आई, पहला प्रॉपर रिकॉर्ड की बात कर रहा है, दूसरा उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन की बात कर रहा है, और तीसरा उसकी टाइटल डीड की बात कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट फिक्स एसेट, दैट इज नंबर वन। शॉर्ट में इसको आप एफ ध्यान रखें, आगे इसका यूज आपको पता लगेगा। नेक्स्ट वन इज इन्वेंट्री। नेक्स्ट वन इज क्या? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में वही बातें होंगी जो ऊपर बातें थी, कुछ नहीं है, बी पॉइंट है, कॉपी कर दो, पूरा पूरा आपका इन्वेंट्री बन जाएगा। सर फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए, अच्छी बात है, रीजनेबल इंटरवल पे होनी चाहिए, ध्यान देने वाली बात है, अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज आएंगी तो उसकी प्रॉपर डील होनी चाहिए हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, काम खत्म। दिस इज ऑल अबाउट इन्वेंट्री। आगे बढ़े, ये सेकंड पॉइंट था जो इन्वेंटरी के ऊपर ध्यान रखना है कि इन्वेंटरी पे अगर इशू है तो ये चीजें कंप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। तीसरा आएगा और चौथा आएगा जिसे हम कहते हैं डबल एल, मीन्स टू एल है यहाँ पे। एल का मतलब यहाँ पे लोन के बारे में चर्चाएं होंगी। क्या कहेगा कि कंपनी ने क्या लोन दिए हैं किसी ऐसी कंपनी फॉर्म या एलएलपी या किसी भी पार्टी को जो कि कवर्ड इन द रजिस्टर्ड मेंटेन अंडर सेक्शन 189। ये 189 सेक्शन क्या कहता है? वो सारी कंपनी है या वो सारी एंटिटीज जिसमें कि इंटरेस्ट होता है किसका? डायरेक्टर का, ठीक है? इंटरेस्टेड एंटिटीज है ये बेसिकली, ये आप अपने लॉ में पढ़ेंगे बहुत डीप में। तो अगर कोई ऐसी एंटिटीज है जिसमें कि डायरेक्टर्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, जिसको हम कहते हैं कि रजिस्टर में कवर्ड होना चाहिए 189 के अकॉर्डिंग, कि उसकी प्रॉपर अपने रिकॉर्ड मेंटेन करके रखी हुई है, अगर उन लोगों को लोन दिया है आपने, अगर हाँ, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, ठीक है? थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि लोन दिया है उन लोगों को दिया है जो कि सेक्शन 189 में फॉल करते हैं, अगर हाँ तो आपको कुछ बातों के ऊपर ध्यान रखना है। क्या? इफ सो तो क्या चीजें हैं कि जी जो टर्म्स और कंडीशन है लोन की वो कंपनी के फायदे के लिए ही है ना, उनके फायदे के लिए तो नहीं है। मतलब कि टर्म्स एंड कंडीशन जो दिए गए हैं नॉट प्रिजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट, कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होने चाहिए, उस कंपनी के हित में होने चाहिए। अच्छा जी, जो उसका शेड्यूल है रीपेमेंट का, जो उनसे पैसा वापस आता है, वो प्रॉपर निर्धारित है और जो पैसे आ रहे हैं वो भी रेगुलरली आ रहे हैं, उसमें कोई रिकावट तो नहीं है कि जो हमने जो लोन दिया, जो उसकी ईएमआई जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो प्रॉपरली रिसीव हो रही है या नहीं हो रही, अगर नहीं हो रही तो दिक्कत है। अच्छा जी, अगर नहीं हो रही, अगर आपका पैसा ओवर ड्यू हो गया, कितने दिन से ज्यादा? 90 डेज से ज्यादा। अगर 90 दिन से ज्यादा आपका पैसा बकाया है जो आपको मिल जाना चाहिए था वापस, वो नहीं मिला है 90 दिन के अंदर, तो आपने क्या रीजनेबल स्टेप लिए या नहीं लिए उस पैसे को रिकवर करने के, जिसमें कि आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों के दोनों इन्वॉल्व होंगे, ठीक है जी? अगर नहीं लिया तो रिपोर्ट करोगे, लिए वो तो बताना है। मतलब आपको ये तीन चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्या तीन चीजें ध्यान रखनी है सर? पहला कि आपने लोन दिया है उन लोगों को जो किस सेक्शन में फॉल करते हैं आपके 189 के अंदर। तीन पॉइंट, पहला टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी के भी फायदे में होने चाहिए, दूसरा शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट होना चाहिए और पैसे आपको प्रॉपरली मिलने चाहिए। अगर 90 दिन से ज्यादा तक अगर पैसे आपको नहीं मिले हैं तो आपने रीजनेबल स्टेप लिया या नहीं लिया उसको रिकवर करने के लिए, ठीक है सर? बहुत बढ़िया। फोर्थ पॉइंट आता है आपका, ये भी रिगार्डिंग लोन है। नहीं जी, फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ पॉइंट भी आपका क्या है इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, कह रहा है कि अगर आपने लोन इन्वेस्टमेंट या गारंटीज वगैरह दी है तो वो आपने सेक्शन 185 एंड 186 को कंप्लाई करते हुए दी है या नहीं दी? नहीं दी तो उसका भी आप डिस्क्लोजर दोगे, डिटेल्स दोगे, रिपोर्ट करोगे। सर 185 और 186 क्या होता है कंपनी एक्ट के? ये दो सेक्शन है। 185 कहता है कि सर ये लोग कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि आप लोन वगैरह नहीं दोगे, बिल्कुल भी नहीं दोगे। 185 मना करता है कुछ एक लिस्टेड पर्सन को, कुछ एक लिस्टेड एंटिटीज को, कि इन लोगों को लोन कतई नहीं देना। तो क्या आपने उनको लोन तो नहीं दे दिया? अगर दे दिया तो रिपोर्ट कर, नहीं दिया तो अच्छी बात है। 186 जो सेक्शन है ये बताता है कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनको कि आपको लोन देना तो नहीं है, पर अगर दोगे तो सर्टेन लिमिट के साथ दोगे, मतलब विद इन अ लिमिट। ये लिमिट बता रखी है 186 के अंदर। 185 कहता है कि इन लोगों को तो कतई मत देना, 186 कहता है आप इन लोगों को दे सकते हो बट एक लिमिट है, इससे ज्यादा आप लोन या इन्वेस्टमेंट वगैरह प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है जी? तो कहने का मतलब है 185 और 186 की कंप्लायंस आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो इन रिगार्ड टू लोन एंड इन्वेस्टमेंट्स। ये है फोर्थ पॉइंट आपका, ठीक है सर। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि अगर आपने एक्सेप्ट किए हैं डिपॉजिट्स वगैरह, तो उस डिपॉजिट्स वगैरह जो भी आपने एक्सेप्ट किए हैं पब्लिक से, उसमें जो सेक्शन 73 और 76 है आरबीआई के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, वो प्रॉपरली कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। कहने का मतलब है कि डिपॉजिट्स अगर आप लेते हो तो उसके रिगार्ड में जो भी प्रोविजंस है वो प्रॉपरली कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है सर?
अगर कोई ऑर्डर वगैरह पास किया, कोई ऑर्डर वगैरह निकाला है, किसने निकाला है जी? सीएलबी कंपनी लॉ बोर्ड ने निकाला है, या फिर एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने निकाला है, या फिर आरबीआई, या फिर किसी कोर्ट या किसी और ट्रिब्यूनल ने निकाला है। मतलब कहने का मतलब है कि वो जो आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, उस बारे में कोई भी ऑर्डर पूरे संसार में आया है किसी भी नामी संस्थान के द्वारा, तो आपने उसको कंप्लाई किया या नहीं किया? किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो उसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। अभी हम सेक्शन 148 पढ़ेंगे, इसी सीक्वेंस में आज पढ़ लेंगे और होपफुली हम खत्म कर लेंगे इस कंपनी ऑडिट को। तो उस 148 के अंदर आपको ना कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी हो जाता है एक सर्टेन लिमिट के बाद। तो अगर वो लिमिट आप फॉलो कर चुके हो और आप मेंटेन करना चाहिए, तो क्या आपने मेंटेन किया या नहीं किया, ये बताता है पॉइंट नंबर 6 कि आपको कॉस्ट अकाउंट मेंटेन करने की अगर आवश्यकता थी एज पर सेक्शन 148 सबसेक्शन 1, तो आप क्या वो मेंटेन कर रहे हो प्रॉपरली या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो उसकी रिपोर्टिंग आपको करनी होगी क्लॉज 6 के अंदर। ठीक है सर। नेक्स्ट आता है क्लॉज 7। क्लॉज 7 का मतलब क्या है कि कंपनी जो है वो रेगुलरली अपने जो स्टैचुरी ड्यूज होते हैं, जो भी उनकी गवर्नमेंट ड्यूज वगैरह होते हैं, जो भी हमारे टैक्स वगैरह होते हैं, वो प्रॉपरली वो पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो भी पीएफ हो गए, ईएसआई का पैसा हो गया, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड ड्यूज हैं जो कि अनडिस्प्यूटेड है, उसका वो प्रॉपरली पेमेंट करते हैं या नहीं करते। अगर नहीं करते तो जो अरियर्स वगैरह होते हैं लास्ट डेट पे, वो आपको इंडिकेट करने पड़ेंगे कि भैया लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर में कितना इनका बकाया था। ठीक है जी, उसके आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अपने रिपोर्ट के अंदर। ठीक, आगे देखें। नेक्स्ट कहता है इसी पॉइंट के अंदर, पहला तो आप क्या रेगुलर पेमेंट करते हो नहीं करते। अगर नहीं करते तो जो भी लास्ट डेट पे आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, उसको आपको इंडिकेट करना पड़ेगा अपने रिपोर्ट के अंदर, जो भी पेबल का अमाउंट आ रहा होगा। ठीक है जी। आगे कहता है कि अगर उन्होंने डिस्प्यूटेड कोई भी अगर अमाउंट था वो डिपॉजिट नहीं कराया अकाउंट के अंदर, तो उस डिस्प्यूटेड अमाउंट की भी आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। मतलब कहने का क्या है, इसको एक बार देख लीजिए आप। वेयर ड्यू ऑफ इनकम टैक्स और सेल टैक्स और सर्विस टैक्स और ड्यूटी ऑफ कस्टम और ड्यूटी ऑफ एक्सेस और वैल्यू टैक्स हैव नॉट बीन डिपॉजिट ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिस्प्यूट, देन द अमाउंट इन्वॉल्व एंड द फॉरम व्हाट डिस्प्यूट इज पेंडिंग शैल बी मेंशन। ठीक है जी। मतलब अगर किसी भी डिस्प्यूट की वजह से आपने पैसा जमा नहीं कराया, तो कितना पैसा जमा नहीं कराया और कहाँ का ये पैसा है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा रिपोर्ट के अंदर। ठीक है जी। स्टैच्यू डीज को लेकर नॉर्मल पॉइंट आ गए, पॉइंट नंबर क्लॉज नंबर 7 के अंदर। क्लॉज नंबर 8 कहता है कि अगर कंपनी ने जो भी लोन वगैरह ले रखे हैं उसकी प्रॉपर रिपेमेंट की है या नहीं की। अगर नहीं की तो बताओ किस किस पीरियड की नहीं की और कितना अमाउंट उसके अंदर इन्वॉल्व है डिफॉल्ट का। बहुत इजी पॉइंट था, कुछ खास नहीं। नाइन्थ कहता है आपका कि अगर कंपनी ने पैसा रेज किया है थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफर या एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर, तो जिस पर्पस के लिए वो उस पैसे को रेज किया था वही वो अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो बताइए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि क्या कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय या किसी के भी द्वारा कोई फ्रॉड की घटना घटित हुई है। अगर घटना कोई हुई है, कोई भी फ्रॉड रिलेटेड मैटर है, फ्रॉड की रिपोर्टिंग ऊपर भी आई थी, तो ऑडिटर चेक करेगा कि कुछ फ्रॉड होगी तो उसमें उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। एडिशनली आपने वहां पर सुना था कि क्लॉज 10 में भी रिपोर्टिंग होती है, तो वो यही है कि अगर कोई फ्रॉड हुआ है कंपनी में किसी भी ऑफिसर या एम्प्लॉय के द्वारा, तो उसकी रिपोर्टिंग आप करोगे, उसका नेचर बताओगे और उसका अमाउंट बताओगे किस टाइप का फ्रॉड और कितना अमाउंट उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट मैनेजर रेमुनरेशन का, जिसके लिए आपका सेक्शन है 197, आपने पढ़ा होगा अपने कंपनी लॉ में। ये क्या कहता है कि अगर मैनेजर रेमुनरेशन जो पेमेंट करनी है वो आप 197 के अकॉर्डेंस करोगे। वहां पे आपने लिमिट्स बताई हुई है कुछ कि इतना 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 सिचुएशन वाइज आपको मैनेजर रेमुनरेशन अलाउड है कि आप पे कर सकते हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप बताओगे कि कितना अमाउंट वगैरह आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया है और उसको वापस लेने के क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं, क्या स्टेप्स लिए। ठीक है जी। तो मैनेजर रेमुनरेशन के लिए 197 आपने कंप्लाई किया नहीं किया, अगर नहीं किया और आपने एक्सेस पेमेंट कर दिए, तो उसको वापस लेने के लिए कंपनी ने क्या प्रोसीजर, क्या स्टेप्स अपनाए हैं, उसके बारे में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी क्लॉज नंबर 11 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिगार्डिंग निधि कंपनी। निधि कंपनी आपने सुना होगा, निधि कंपनी की चर्चा है यहाँ पे कि निधि कंपनी अगर है तो उसने अपना नेट ओन टू डिपॉजिट, नेट ओन और डिपॉजिट का जो रेशियो है वो 1:20 मेंटेन करके रखा है या नहीं रखा, नंबर 1 क्राइटेरिया। नंबर 2 इज कि
कि 10% अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट उनके पास है कि नहीं, जो भी उनके निधि रूल में कहता है लायबिलिटी को मिट आउट करने के लिए। ठीक है, जो दो बातें निधि कंपनी के रिकॉर्ड में आपको याद रखना है, नेट ओन फंड टू डिपॉजिट का रेशियो 1:20 मेंटेन करके रखा है या नहीं रखा, एंड 10% अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट उनके पास है या नहीं लायबिलिटी को मिट आउट करने के लिए। लास्ट पॉइंट, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट आता है, ट्रांजैक्शन अगर कुछ रिलेटेड पार्टी की हुई है तो उसके अंदर कंप्लायंस होना जरूरी है सेक्शन 177 एंड 188 का। सिंपल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को लेके है कि जो भी उसके अंदर कंप्लायंस को लेके बात की गई है वो आप कंप्लाई करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगर कंपनी ने कुछ प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स किए हैं, ठीक है जी, तो जो भी उनसे पैसा आया है उसको उन्होंने उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया या नहीं किया जिसके लिए वो रेज किया गया था। आईपीओ से सिमिलर हो गया, वहाँ आईपीओ था, यहाँ पे क्या है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के बारे में। नेक्स्ट आता है आपका कि अगर कंपनी ने नॉन कैश ट्रांजेक्शन किए हैं डायरेक्टर्स या फिर जो भी पर्सन कंसर्न है उनके साथ, तो उसके बारे में आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, नॉन कैश ट्रांजेक्शन किए हैं। ठीक है जी, वेदर द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एनी नॉन कैश ट्रांजेक्शन विद डायरेक्टर्स और पर्सन कनेक्टेड विद हम, इफ सो वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 192 जो है वो कंप्लाई हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो आप उसकी रिपोर्टिंग करोगे नॉन कैश ट्रांजेक्शन के हैं विद डायरेक्टर्स। एंड लास्ट पॉइंट आता है आपका क्या, कि जो कंपनी है रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर 45(1)(a) ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, कुछ भी आरबीआई एक्ट मतलब कि वो मनी लेंडिंग वगैरह का काम करती है और आरबीआई एक्ट में उसको रजिस्टर्ड होने की अगर आवश्यकता है तो उसने वो रजिस्ट्रेशन लिया या नहीं लिया, मीन्स दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू आरबीआई। ठीक है जी, अगर कुछ मनी लेंडिंग टाइप की चीज करती है आरबीआई की उसको इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए तो उसका रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, वो कंपनी ने लिया है या नहीं लिया। ठीक है जी, जो भी इसके अंदर वो अनफेवरेबल जो हमारे ऑडिटर साहब हैं, अगर वो कुछ भी इसके अंदर कमी निकालेंगे या क्वालिफाइड रिपोर्ट देंगे या उसके क्वालिफाइड बातें बोलेंगे तो उसके लिए उनको क्या देना पड़ेगा भैया, रीजन बताना पड़ेगा काहे ऐसा कह रहे हो, क्या तुम्हें ऐसा मिला, उसका प्रूफ दो कि किस बेस पे आप ये रिपोर्टिंग कर रहे हो। ठीक है जी, फर्दर वेयर द ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सप्रेस, ओ माय गॉड, जस्ट अ मिनट गाइस, कनेक्ट इट। अच्छा जी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए जी, तो कहाँ पे थे हम, थे यहाँ पे कि अगर ऑडिटर ऐसा कहता है कि भैया मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता किसी भी मैटर के ऊपर, तो उसको बताना पड़ेगा भैया क्यों ऐसा कह रहे हो, उसका रीजन दो कि क्यों तुम ओपिनियन इसके ऊपर नहीं दे सकते। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे कहता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल है आपका, क्या कह रहा है, द कंपनी हैज डिस्पेंस विद द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग इन्वेंटरी एट देयर इन्वेंटरी ऑफ देयर इन्वेंटरीज एट द ईयर एंड एज देयर ओपिनियन टू एक्सरसाइज रिडंडेंट टाइम कंज्यूमिंग एंड इंस्टीट्यूशन टू नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ऑपरेशन। आपको रिपोर्टिंग की बारे में बताना है कारों के ऊपर, कह रहा है कंपनी जो है वो क्या करती है इन्वेंटरी टेकिंग जो है उनकी, जो काउंटिंग वगैरह या फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह है वो ईयर एंड पे करती है, सीधा सीधा कहती है जब बार बार टाइम खराब होता है काम में दिक्कतें आती हैं इसलिए एंड में कहते हैं आप बताओ क्या कहोगे। तो आपका जो प्रोविजन है कारों का वो आप लिखोगे, आप कैसे लिखोगे कि जी इन्वेंटरी आता है क्लॉज 2 के अंदर पैरा 3 पैराग्राफ 3 16 में, वो जो बातें कहता है आप वो सिंपल आप जो प्रोविजन है वो चिपका होगा यहाँ पे, एंड एट दी एंड कहा कहोगे कि नहीं भैया यहाँ पे रीजनेबल टाइम इंटरवल पे करना जरूरी है, क्या जरूरी है, जो आपका है वो इन्वेंटरी जो होना चाहिए, सॉरी रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो आपने नहीं किया तो पॉइंट आउट करोगे सेम अंडर क्या कारो 2016 के अंदर, ही में कंसीडर द इंपैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट अकॉर्डिंगली, उसका जो इंपैक्ट अगर कुछ होगा स्टेटमेंट के ऊपर तो उसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। मोटा मोटा क्या आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, रीजन भी क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है रीजनेबल इंटरवल पे टाइम जो स्टॉक टेकिंग है वो नहीं की जा रही है, जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो नहीं की जा रही। दिस इज ऑल अबाउट योर कारो। कारो बेसिकली आपको याद करने वाली बातें क्या है यहाँ पे, नंबर 1 इज एप्लीकेबिलिटी, नंबर 2 इज 16 पॉइंट्स, नंबर 2 इज 16 पॉइंट्स। 16 पॉइंट आपको मोटा मोटा पता होगा, उसके अंदर का कंटेंट कोई बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं, आप दोबारा अगर रीड करोगे तो आपके दिमाग में बच जाएगा। द थिंग इज कि वो 16 पॉइंट याद कैसे रखी जाए, तो मैंने आपसे कहा था आपको एक ट्रिक बताई जाएगी, सो लेट्स गो विद द ट्रिक, एंड द ट्रिक इज क्या ट्रिक है जी, इजिली उसको याद करने के लिए तो एक छोटी सी कहानी बनाई गई जिसके थ्रू होपफुली आप उसको याद कर पाएंगे, ये मेरी एक कोशिश है, कोई वादा नहीं है, कोशिश है कि इससे हो सकता है आप याद कर पाए, अगर आप याद कर पाए तो अच्छी बात है, ना कर पाए तो आप कुछ और ट्रिक लगाए कैसे भी करें रट्टा मारे व्हाटएवर, बट यू हैव टू लर्न फॉर योर एग्जाम। चलिए जी, तो देखते हैं क्या ट्रिक है।
एक कुछ ऐसी कहानी छोटी सी, आप इसको सुनिए पहले, फिर मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ, रिलेट करता हूँ आपके पॉइंट से। कह रहे हैं क्या कि आपको फिल करना है अपना बैंक अकाउंट, ठीक है जी। और ऑब्वियस ही बात है, आप आलसी बंदे हो तो आप अपने बैंक में पैसे भरोगे। आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर जी बहुत सारे पैसे इकट्ठे करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, आप नींद लेंगे पैसे इकट्ठे करने के बाद। अच्छा, अब जब आप सो गए, आप बहुत अच्छी गहरी नींद में सो गए, तो हुआ क्या कि आपके पास चार बवाल हो गए। आप रीपेमेंट नहीं कर पाए, एप्लीकेशन नहीं कर पाए, फ्रॉड हो गया, मैनेजर ने भी घोटाला कर दिया, चार दिक्कतें आई, ठीक है। फिर आपने कहा यार बहुत होगी मारामारी, ऐसी कराओ सारी अपनी। हम क्या करते हैं, आपने अपने फ्रेंड को बुलाया जिसका नाम था निधि, और आपने कहा कि चलो जी अरेंज करते हैं क्या एक पार्टी, जिसमें हम किसको बुलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने क्लोज दोस्तों को, और उस पैसे जो उस पार्टी में जो भी खर्च वगैरह होंगे वो सारे के सारे ऑनलाइन किए जाएंगे, मतलब कैश मोड में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जी भैया आरबीआई या गवर्नमेंट जो है हमारा, वो कहता है कि भैया ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज्यादा करें, आप कैश ट्रांजेक्शन को अवॉइड करें जितना भी आप कर सकते हैं। तो दिस इज योर स्टोरी कि आपने अपने अकाउंट भरे और आप सो गए। सोने की वजह से चार दिक्कतें आई, रिपेमेंट, एप्लीकेशन, फ्रॉड एंड मैनेजर। रिपेमेंट नहीं हो पाई, एप्लीकेशन नहीं हो पाई, फ्रॉड हो गया, और मैनेजर भी ने भी आपका घोटाला कर दिया। फिर आपका की ऊपर की बातें आपने छोड़ी, आपने कहा चलो जी पार्टी करते हैं, निधि को बुलाया पार्टी की, पार्टी में अपने क्लोज दोस्तों को बुलाया, और नॉन कैश मोड में आपने सारा काम किया। रीजन भी क्योंकि आरबीआई कहती थी। चलिए जी, तो इसको जरा याद करें आप। यहाँ पे आपके चार वर्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं, FILL, ठीक है। द एफ इज रिलेटेड टू फिक्स एसेट, आपको पता है नंबर वन जो क्लॉज वन है आपका क्या है, फिक्स एसेट का। नंबर टू आई इज रिलेटेड टू वट, बोलो बोलो, रिलेटेड टू इन्वेंट्री, यहाँ पे इन्वेंट्री की प्रोविजन है। L1 इज रिलेटेड टू नोल्स, जो कि आपका किसकी बात करता है, 189 की बात करता है, ठीक है। और दूसरा L जो है वो किसकी बात करता है, वो बात करता है दो सेक्शन की, जिसमें कि आपको, जिसमें आपको लोन ना देना है ना लेना है, मतलब सेकंड लोन की बात करता है, जहां पे आपको सॉरी लोन देना नहीं है, और सेकंड सेक्शन है जो कहता है आपको कि लोन जो देना है वो एक लिमिट के अंदर देना है। और यहाँ पे बात किसकी करता है, मेरे सेक्शन गलत देखते हैं, सेक्शन उठा देते हैं। अच्छा भैया, हाँ जी, यहाँ पे जो एल है इसकी बात करता है कि आपको जो लोन प्रोवाइड करना है उसके लिए आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। नंबर वन, उसके रिलेटेड पर तीन बातें आती हैं कि लोन की रिपेमेंट आ रही है कि नहीं आ रही, वो प्रीजुडिशियल टू कंपनी इंटरेस्ट होना चाहिए। एंड थर्ड वन, कि अगर पेमेंट 90 डेज के बियॉन्ड तक नहीं आई तो आपने रीजनेबल स्टेप लेना है। ये एल था, और इसमें बस कहता सिंपली कंप्लायंस है 188 189 की, वो यहाँ पे था सॉरी। तो उस लोन की जो भी कंप्लायंस थी जो सेक्शन की, वो आपने पूरी पूरी की या नहीं की। तो ये चार पॉइंट आपके, फिजिकल इन्वेंट्री एंड टू LR लोन्स। देन ये आता है कि आपने एक्सेप्ट किया डिपॉजिट्स, आपने क्या किया है, एक्सेप्ट किए हैं डिपॉजिट्स। तो जो आपने एक्सेप्ट किए हैं डिपॉजिट, उससे उसके रिलेवेंट जो सेक्शंस वगैरह थे वो आप प्रॉपरली, जो भी कंप्लायंस है वो प्रॉपरली फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जो सी आता है, दिस इज योर कॉस्ट रिकॉर्ड, कि कॉस्ट रिकॉर्ड अगर मेंटेन करने की एप्लीकेबिलिटी आपके अंदर आती है तो उसको आप एप्लीकेबल, वो आप कंप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, 141 148 क्लॉज सेक्शन सब सेक्शन 1 का, ठीक है जी। जो एस है आपका, ये है आपका स्टैच्यूरी ड्यूज, ये किसका है आपका स्टैच्यूरी ड्यूज, कि आप इसकी टाइमली पेमेंट करते हो या नहीं करते। अगर आप नहीं करते हो पेमेंट तो उस केस में आपको उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी स्टैच्यूरी ड्यूज की। और अगर अगर किसी पर्टिकुलर की कोई डिस्प्यूटेड की रीजन से आपने पेमेंट नहीं की है तो उसकी भी रिपोर्टिंग होगी कि किस फॉरम में और कितना अमाउंट उसके अंदर आपका इन्वॉल्व है। ये स्टैच्यूरी ड्यूज का पॉइंट था। देन आप सोए थे तो उस चक्कर में क्या दिक्कत आई, चार दिक्कत आई। नंबर वन, कि आप रीपेमेंट नहीं कर पाए किसकी, जो भी आपकी बोरोइंग्स थी, बोरिंग्स जो थी उसकी रिपेमेंट नहीं हो पाई। एप्लीकेशन नहीं हो पाया उन पैसों का जो भी आपने आईपीओ या एफपीओ से लिया था। फ्रॉड हुआ जिसकी आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी क्लॉज 10 के अंदर। और जो आपका मैनेजेरियल रिम्यूनरेशन था वो अगर ज्यादा पे हो गया है, या फिर जो रेम्यूनरेशन का 197 का आपका सेक्शन अगर आपको कंप्लाई नहीं किया है तो उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, और क्या रीजनेबल स्टेप ले रहे हो आपको वो भी दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता था आपका एन से, दिस इज निधि कंपनी, निधि कंपनी के जो प्रोविजंस थे वो फुलफिल करने थे, 1:20 का और 10% का डिपॉजिट अन इनकम्बर्ड। देन पार्टी रिलेट टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, अगर कुछ है सेक्शन 177 और 188 के तो वो सेक्शन को आप फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना था। नेक्स्ट क्लोज फ्रेंड में आपका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स आ गया, कि आपने किया है तो अच्छी बात है, उसकी जो यूटिलाइजेशन होनी चाहिए जिस पर्पज के लिए किया वो फुलफिल हुई या नहीं हुई। देन नेक्स्ट आता था कि अगर नॉन कैश ट्रांजेक्शन आपने डायरेक्टर के साथ किए हैं तो उसकी भी आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। एंड लास्ट आता है कि अगर आरबीआई के सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है आरबीआई एक्ट के अंदर, तो आपने वो लिया है या नहीं लिया है। तो दिस इज ऑल योर 16 पॉइंट्स, आई होप कि आप इससे याद कर पाएंगे।
एक बार आप इसको रिपीट करके सुनेंगे तो मेरे ख्याल से आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप जैसे मर्जी याद करें इसको 3-4 बार सुन ले तो आपको वैसे याद हो जाएगा। इतनी कोई मारामारी है नहीं, इससे बड़े बड़े रट्टे आपने अपने जीवन में लगाए हैं। बट हाँ, नो डाउट इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो आपको याद तो करना चाहिए जैसे भी करें, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट कार 2016, आई होप आपको ये चीज़ें सारी समझ में आई हो, ठीक। थैंक्स एंड बाय बाय, होपफुली आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, अगर पसंद आई है तो ऑब्वियसली लाइक बटन दबाना ना भूलें। और एक चीज़ और जो स्पेशल है कि आप कमेंट करके मुझे बताएं अगर कोई और तरीका आपने सीखा हुआ है इसको याद करने का, या आप कुछ और तरीका आप डेवलप कर पाते हैं इसको याद करने के लिए, तो मुझसे शेयर करें। हो सकता है कुछ अगर उसमें हेल्प मैं कर पाऊंगा तो मैं करूंगा, या फिर मुझे कुछ सीखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली नो डाउट यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर लेटेस्ट एंड गुड क्वालिटी कंटेंट्स। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।